अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि सालगिरह के मौके पर किसी को दुआ देना ये शरीय एतबार से कैसा है। देखें कि सालगिरह जो है, सबसे पहले तो इसे सेलिब्रेट करना, इसका अहतमाम करना, इसे मनाना, इसके हवाले से इसकी शरीय हैसियत को समझना ज़रूरी है। तो सही राजे मौक़िफ़ के मुताबिक इस तरह के त्यौहार मनाना, इनका अहतमाम करना या इनको सेलिब्रेट करना ये कोई मुस्तहसन और दुरुस्त मालूम नहीं होता, बल्कि ये एक गैर मुस्लिमों की तरफ से दिए जाने वाले एक त्योहारों में से एक त्योहार है, इसलिए इस तरह के त्योहारों को मनाना दुरुस्त नहीं है। तो दुआ देना, हदिया देना, तोहफ़ा देना ये तो जायज़, मुस्तहब और पसंदीदा अमाल है, लेकिन सालगिरह के मौके पे अगर इन्हें किया जाएगा तो सालगिरह मनाने वालों के साथ मुशाबहत हो जाएगी। तो उस मुशाबहत से बचने के लिए इन मौके पर ये दुआओं और हदियात का अहतमाम ना किया जाए, बल्कि इससे हट के आप किसी को दुआ भी दें, तोहफ़ा भी दें, जो है वो हदिया भी दें, लेकिन इस ख़ास मौके पर ना दें। इस ख़ास मौके पर देने का साफ सा मतलब ये है कि आप उस त्यौहार को पसंद कर रहे हैं और उस पे आप दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं, उसकी हौसला अफज़ाई कर रहे हैं। तो हौसला अफज़ाई, सराहने और इस तरह के अहतमाम को जो है वो उनकी तारीफ़ करने से बचते हुए इस मौके पर दुआ देने, तोहफे देने से इज्तेनाब किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर मालूम होता है।